कोनिशिया मीना सान, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी किसी भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप में से काफी सारे स्टूडेंट के जो है मुझे मैसेज आ रहे हैं और आप कमेंट भी कर रहे हैं कि सेंसे आप जो है N3 क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो देखो, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, कुछ ना कुछ रीजन है, इसी वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा। वो रीजन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम क्या है, पिछले कुछ दिनों में मेरे चैनल पर कुछ स्ट्राइक्स आई, ठीक है, और स्ट्राइक्स ऐसी बातों पर आई जिसमें मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि ऐसी चीजों पर भी स्ट्राइक आ सकती है। यानी कि एक तरीके से हम बोले तो कॉपीराइट क्लेम। अब ये होता क्या है, तो आप में से लोग जो जानते हैं भाई यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा, तो यही होता है यूट्यूब पर जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी चीज बता रहे हैं, तो कोई भी कंटेंट किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉपी मिला तो वहां पर वो जो उसका ऑनर है, जो पब्लिशर है, जिसके पास उसका लाइसेंस है, पेटेंट है, तो वो आपको क्लेम कर सकता है, स्ट्राइक दे सकता है। तो अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्राइक्स आई हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर के पढ़ा रहा हूँ। वीडियोस में कुछ भी ऐसी नहीं डाल रहा या डालना चाहता जिससे कि चैनल पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट पड़े, बिकॉज अभी तक बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के पास तक जुड़ना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए कि आप सभी लोगों से मैं अटैच हो पाऊँ। तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि मैं अभी N3 का कुछ भी जो है स्टडी जो है फर्दर मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं कि करूंगा ही नहीं, हाँ करूंगा, लेकिन थोड़ा देख करके, सोच के, समझ के कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, अपने आप को सेफ रख करके मुझे चीजें करनी है, ताकि इसका कोई बैड इफेक्ट जो है वो हमारे फैमिली पर ना पड़े, यूट्यूब फैमिली पर ना पड़े, ठीक है। हम एक दूसरे से जुड़े रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और साथ ही साथ इसके एक बैकअप के तौर पे, आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैंने अपना एक न्यू चैनल भी बनाया है अभी शॉर्ट्स वीडियो के नाम से, लर्न निहोंगो थ्रो हिंदी, ये चैनल का नाम है। वहां पे शॉर्ट्स वीडियो है। मैंने आप सभी लोगों से कहा था पर्सनली, जो इंस्टाग्राम पे मेरे जो स्टूडेंट जुड़े उनसे भी मैंने कहा, उनसे बोला भी, बट बहुत ही कम लोगों ने उस चैनल को फॉलो किया है। तो वो क्यों कहा मैंने, इसीलिए कहा कि इनकेस ऐसा कुछ हो जाता है इन फ्यूचर कि चैनल टर्मिनेट वगैरह हो जाए, तो आप मेरे पास एटलीस्ट रहोगे तो, या मैं आपको इन्फॉर्म तो करूंगा। तो भाई चीजों को जरा ध्यान दिया करें, थोड़ा सुन लिया करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब पे थोड़ा ऐसा होता है कि अगर 3 बार से ज्यादा स्ट्राइक आ गई आपकी, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो चैनल तक टर्मिनेट कर देता है यूट्यूब। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। बैकअप के तौर पे हमारे पास कोई एक दूसरा चैनल या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो ये तो था रीजन कि मैंने जो आपको बताया कि भाई मैं क्यों नहीं N3 आपको पढ़ा पा रहा। अब आप ये सोच रहे हो कि सेंसी की नीयत चेंज हो गई, सेंसे तो आप अपनी क्लास चाहते होंगे शायद अपनी और इंस्टीट्यूट की तरह। तो देखो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर मुझे अपना इंस्टीट्यूट चलाना होता है, फिर मुझे पढ़ाना होता तो मैं बहुत पहले कर लेता। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझाना, क्योंकि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो डिफिकल्टीज फेस करी है ना, मैं नहीं चाहता कि वो डिफिकल्टीज आने वाली जो हमारे जितने भी यंगस्टर और आ रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके साथ ऐसी चीजें फेस हो। तो मैं वही चीज बताता हूँ जो मुझे लगता है यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और आपने देखा भी होगा। तो बस यही कहूंगा कि आने वाले टाइम में मैं N3 भी पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई, अब ये मत पूछना कि सेंसे कब से पढ़ाओगे, क्योंकि फिक्स टाइम मुझे खुद नहीं पता है, बट मैं पढ़ाऊंगा जरूर। और साथ ही साथ रही बात, आप में से काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि सेंसे हमें क्लासेस दे दो ऑनलाइन, तो मैं देखता हूँ, शायद इस दिसंबर से जो है मैं बैच बनाऊंगा N5 और N4 के, और फी वगैरह बहुत कम रहेगी अदर इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा रही बात जो स्टूडेंट अब N3 में आ गए, N3 क्लास के अंदर, ठीक है, N3 पढ़ रहे हैं या N2 पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ऑब्वियसली आप क्यों मुझसे कह रहे हो कि सेंसे हमें पढ़ा दो N3, बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं सच में थैंक यू बोलता हूँ उस चीज के लिए आपकी, आप इतना ट्रस्ट करते हो, इतना पूछ रहे हो मुझे। लेकिन रीजन है, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा। लेकिन चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है, चाहे दुनिया में कोई आपको ना बताए, आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो आपको नहीं समझ में आए, फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने आपसे हमेशा कहा पहले दिन से, Day 1 से, कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज डाल दो, आप मुझसे पूछ लो कि सेंस आपके पास फ्री टाइम कब है। मेरे पास जैसे टाइम होगा मैं आप जरूर दूंगा, चाहे मेरे मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना 15-20 मिनट कॉल पे भी देना पड़ जाएगा, मैं वो भी दे दूंगा। तो मुझे इसमें कुछ हर्ज नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। ऐसा डिमोटिवेट मत हो कि सेंसे ने हमें बीच में छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा भाई, मैं हमेशा पहले भी साथ था, साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा। इवन N2 तक किसी को भी कैसी भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो। N1 तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो N1 में मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बता सकूंगा अगर N1 का भी कोई है। तो बाकी यही है कि भाई आप लोग पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और ऐसी नेगेटिव चीज मत लेके आओ कि सेंसे ने पढ़ाना छोड़ दिया है, N3 नहीं पढ़ा रहे, बता नहीं रहे, N5 की चीजें बता रहे हैं।
तो अब चैनल पे कुछ ना डालूं, चैनल स्टॉप हो जाएगा वहीं का वहीं, प्रोग्रेस उसकी रुक जाएगी, इसलिए मुझे N5 की वोकैबलरी मैं आजकल डाल रहा हूँ, कांजीज डाल रहा हूँ, वो इसी वजह से डाल रहा हूँ। देखो कांजी भी मैं फ्रिक्वेंटली नहीं ले रहा हूँ, सीरीज से नहीं ले रहा हूँ, आगे पीछे इधर उधर से कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि कल को कुछ मतलब तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे स्ट्राइक क्यों आ जाते हैं इतने इजीली। एक स्ट्राइक का तो मुझे पता है कि मैंने एक अपनी वीडियो में सिर्फ एक पेज दिखा दिया था, मिन्ना निहोंगो की बुक का, पता उस पेज पे मुझे स्ट्राइक दे दी थी यूट्यूब से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ ना चीजें हैं जिसकी वजह से अब मैं चाहूँ तो मैं अपना यूट्यूब पर लिसनिंग की वीडियो डाल सकता हूँ। आप कहते हो सर सेंस लिसनिंग क्यों नहीं डालते, दुक्का ही क्यों नहीं पढ़ाते, इसीलिए नहीं पढ़ाता, लिसनिंग की वीडियो डाल दूँ पता चला एकदम से स्ट्राइक आ गई उस पर, क्योंकि वो उनका अलग है ना पेटेंट, जिसका इसके पास लाइसेंस है, अगर मैंने उसी की वीडियो उठाकर डाल दी वहां पर तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। मैं सोच इस पे भी रहा हूँ कि मुझे लिसनिंग की वीडियो बनानी है, देखते हैं किस टाइप से होंगी चीजें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आपके तैयार हूँ और सपोर्ट आगे भी ऐसी करता रहूँ। सो उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स थे, आपकी जो क्वायरीज थी कि सेंसर क्यों नहीं पढ़ा रहे, उसका आपको जवाब मिल गया होगा। और बस रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई दूसरा चैनल बनाया है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि इन केस कुछ भी ऐसा होता तो आपके पास और हमारे पास एक बैकअप रहेगा स्टैंड कि भैया ठीक है हम यहाँ से अपने जुड़े रहेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ना और मेरा आपके साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी जो हैं वो एक फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 100% ठीक हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, आप भी गलतियाँ करते हो, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे आपसे थोड़ा ज्यादा है, तो चीज़ों को मुझे पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, और हो सकता है आपको भी मुझसे अच्छी चीज़ें पता हो, नॉलेज हो, तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं, तो उसमें मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि हम फॉरेन लैंग्वेज लर्नर हैं और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी कोई परफेक्ट होने की सीमा ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी हिंदी भाषा में परफेक्ट नहीं हो सकते तो हम फॉरेन लैंग्वेज में कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपसे गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है, तो हम एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।